भारत में शादियां बड़े ही धूमधड़ाके से होती हैं। इस खास दिन के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पर उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि भारत में लोग अपनी एजुकेशन से ज्यादा अपनी शादी पर खर्च कर देते हैं। देश में होने वाली इन शादियों में होने वाले खर्चों को लेकर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन वेडिंग मार्केट लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। भारतीय लोग अपनी एजुकेशन से दो गुना खर्चा शादी में करते हैं। यह देश में खाने और किराने के बाद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशी और आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। भारत में सालाना 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में यह संख्या 70 से 80 लाख और अमेरिका में 20 से 25 लाख है। भारत में शादियां दूसरी सबसे बड़ी कंजप्शन कैटेगरी हैं। भारत में शादियां बहुत ही धूमधाम से होती हैं, इसलिए इसमें कई तरह के प्रोग्राम और खर्चे होते हैं, जिसमें ज्वेलरी और गारमेंट्स में सबसे ज्यादा खर्च होता है, जबकि ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फायदा है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीन ने कहा है कि सालाना 8 मिलियन से 10 मिलियन शादियों के साथ भारत वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन है। CIT के अनुसार वेडिंग मार्केट का साइज लगभग $130 बिलियन का है। यह वेडिंग मार्केट अमेरिका से लगभग दो गुना है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक शादी पर एवरेज खर्च $15,000 होता है और यह पर एवरेज पर्सन का घरेलू इनकम का मल्टीपल है। दिलचस्प बात यह है कि एक एवरेज इंडियन कपल एजुकेशन, जो प्री प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक होती है, उसकी तुलना में शादी पर दो गुना ज़्यादा खर्चा होता है। यह अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल उल्टा है, जैसे कि अमेरिका, जहाँ शिक्षा की तुलना में शादी पर आधे से भी कम खर्चा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादियां भारत में कई कैटेगरीज के लिए ग्रोथ का एक प्रमुख जरिया है। इसमें ज्वेलरी, गारमेंट्स, केटरिंग, स्टे, ट्रेवल जैसी कई कैटेगरीज शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्वेलरी मार्केट के आधे से ज्यादा रेवेन्यू दुल्हनों के ज्वेलरी से आता है, जबकि टोटल गारमेंट्स खर्च 10% शादियों और समारोह में पहने जाने वाले कपड़ों पर होता है। इसके अलावा वेडिंग मार्केट ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंट जैसे अलग अलग कई सेक्टर्स को भी बढ़ावा देता है। इन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की भी शादी के समय पर काफ़ी मांग है। जेफरीन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि शादी की प्लानिंग एक इंसान आमतौर पर 6 से 12 महीने पहले शुरू कर देता है। भारतीय शादियों में कई दिनों तक अलग अलग प्रोग्राम होते हैं और ये प्रोग्राम सिंपल से लेकर बहुत ही बड़े बड़े तरीके से आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें जगह, धर्म और फाइनेंशियल कंडीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा निभाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू कैलेंडर चंद्र सौर प्रणाली का पालन करता है, इसलिए शादियां केवल कुछ चुनिंदा महीनों में शुभ दिनों पर होती हैं। इन महीनों और दिनों में हर साल बदलाव होते रहते हैं। हालांकि भारतीय लोग शादियों में खर्च करना खूब पसंद करते हैं। कई बार यह खर्चा उनकी इनकम या संपत्ति से काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे केवल दिखावा करने के उद्देश्य से खर्च करने पर ध्यान देते हैं। अगर इसी तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमसे जुड़े रहें।